ईशान हर बार सोचता है कि अब वो कोई नई गलती नहीं करेगा, लेकिन जब भी उसके सामने कोई सिचुएशन आती है तो वो बिना सोचे समझे कोई ना कोई ऐसा फैसला ज़रूर ले लेता है जिसके बाद वो खुद पछताता है। और जब तक उसे पछतावा होता है और अपनी गलती का एहसास होता है तब तक वो सामने वाले को हर्ट कर चुका होता है। कुछ ऐसा ही उसने इस बार फिर से किया है, जहां पर अब उसने एक बार फिर से सभी को गलत समझा, सभी पर सवाल उठाए और यहां तक कि सभी को उसने जो बातें कही हैं उसके बाद सभी भी उसे ये कहकर चली गई कि वो भी उसका गुरु बनने के लायक नहीं। हालांकि सभी और ईशान की नोकझोंक कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक बात तो तय है कि ये दोनों लगातार एक दूसरे को समझे बिना ही फैसला लेते रहते हैं और ईशान तो गलतियां करने में महारत ही हासिल कर चुका है, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से उसे अपनी गलती का एहसास होगा और उसको ये एहसास कोई और नहीं बल्कि शांतनु कराएगा। शांतनु उसे बताएगा कि कैसे हन्नी के साथ क्या क्या हुआ। हन्नी ने अपने कोख में पल रहे बच्चे को खो दिया है। वो बताएगा कि कैसे सभी ने हिम्मत दिखाई और उसने किरण के चंगुल से ना सिर्फ हन्नी को बचाया बल्कि हन्नी की जिंदगी भी बचाई, क्योंकि हन्नी अपनी जान देने वाली थी। ये सारी बातें जानकर कि किरण और हन्नी के बीच में क्या हुआ काफी ज्यादा शर्मिंदा होगा ईशान। शांतनु उसे ये भी बताएगा कि कैसे बाजीराव ने सभी का साथ दिया और फिलहाल किरण जो है जेल में है। लेकिन यहाँ पर ईशान ये भी बात समझ चुका है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और उसने बहुत जल्दी रिएक्ट कर दिया। उसे ये बात जान लेनी चाहिए थी कि आखिरकार सभी के साथ हुआ क्या था। जहाँ एक तरफ भोसले हाउस में दुर्वा के लिए रिश्ता आया है, वहीं दूसरी तरफ ईशान का ध्यान सिर्फ सभी की और ही होगा और ऐसे में शांतनु के कहने पर वो अपनी गलती सुधारने के लिए पहुंच जाएगा। वो शांतनु के कहने पर अब सभी के पास जाएगा। हालांकि वो शांतनु से कहेगा कि वो भी उसके साथ चले और इसीलिए शांतनु और ईशान दोनों ही सभी के पास जाएंगे। हन्नी के घर पहुंचने के बाद वो देखेंगे कि हन्नी की हालत वाकई में बहुत खराब है। यहाँ पर ईशान कान पकड़कर सभी से माफी मांगेगा और एक बार फिर से सभी और ईशान की वही प्यारी वाली नोकझोंक देखने को मिलेगी। तो एक बात तो तय है कि ये दोनों लगातार चूहे बिल्ली की तरह लड़ते नजर आ रहे हैं और अब एक बार फिर से इन दोनों के बीच भले ही लड़ाई हुई हो लेकिन शांतनु इनका पैचअप कराता नजर आएगा। तो आप लोगों को कितना इंतजार है इस एपिसोड का, कमेंट में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।